गाजीपुर से मोहम्मद इसरार पत्रकार उप संपादक की खास रिपोर्ट। अफजाल और ओम प्रकाश सिंह ने मेरा टिकट कटवा दिया, डॉक्टर कैलाश सिंह। अफजाल को किए की सजा मिली है, मेरा रुझान भाजपा में, जल्द मिलूंगा सीएम से। गाजीपुर दो बार एमएलसी रहने के बाद मैं अपने चाचा रमाशंकर उर्फ काटू सिंह के कहने पर सपा में चला गया। वहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मुझे चुनाव लड़ाने का वायदा किया, लेकिन सपा के ओम प्रकाश सिंह व अफजाल अंसारी ने मेरा एमएलसी का टिकट कटवा दिया। सपा में जाना मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुआ। बृहस्पतिवार को अटगावा के एलएसडीएस स्टेडियम में एक पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व एमएलसी डॉक्टर कैलाश सिंह ने आगे कहा कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी नहीं बल्कि पूर्व सांसद अफजाल अंसारी एक खतरनाक व्यक्ति है। उन्होंने अपने परिवार को तबाह कर दिया। राजनीति में अपने अगले कदम के बारे में पूछे जाने पर डॉक्टर कैलाश सिंह ने कहा कि अब मेरा अंत भाजपा में होगा, अपना शेष जीवन मैं योगी बाबा के चरणों में गुजार दूंगा। सीएम योगी से दो बार मिलने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। मैं जल्द ही योगी महाराज से भेंट करूंगा। भाजपा के विकास कार्यक्रमों की प्रशंसा करते हुए पूर्व एमएलसी ने कहा कि मैं भाजपा का पुराना सिपाही हूं। यहां मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे निष्ठापूर्वक निभाऊंगा। हमारे सामने हमारे साथ इस समय भाजपा के पूर्व एमएलसी, दो बार के एमएलसी रहे हुए डॉक्टर कैलाश जी सामने हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान सारे साथी उनके साथ खड़े हैं, पास में हैं। और पहला सवाल ये है कि एमएलसी साहब की आपने अपना अपने जीवन का अधिकांश समय राजनीति को दिया है, समाज सेवा को दिया है, और दूसरा अपने खेल को दिया है। हालांकि राजनीति और खेल दोनों के जरिए आपने समाज की बड़े पैमाने पर सेवा की है, तो इस समय कहीं दिख नहीं रहा है नहीं आपका राजनीति। खेल तो आपने पिछली बार बड़ा अधिवेशन कराया था, लेकिन फिलहाल पर्सनली आपका ज्यादा से ज्यादा समय किस पे खर्च कर हो रहा है, या आप किस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, राजनीति पे या खेल पे? खेल तो एक प्रक्रिया में हमारे, मेरे जिंदगी में खेल है। राजनीति में मैं ब्लॉक प्रमुख था, काशी विद्यापीठ में मंत्री था, तब से हूं। अब स्थिति यह है कि मैं समाजवादी पार्टी में था, उसमें ओम प्रकाश सिंह और अफजाल अंसारी इन लोगों ने मेरा विरोध करके अखिलेश जी से मेरा टिकट कटवा दिया। दो बार का एमएलसी रह करके सपा में था, मेरा दुर्भाग्य था कि मैं सपा में चला गया। यहाँ दो लोग दुर्भाग्य के शिकार हुए हैं, एक मैं खुद जो भाजपा में रह करके सपा में चला गया, दूसरा सुभाष पासी जो सपा में रह करके भाजपा में चला गया। दोनों लोगों की दुर्गति इस समय चल रही है। कौन सा टिकट आपका कटा था उस समय? एमएलसी का ही टिकट, तीसरी बार का कटा है। तो इस पार्टी में रहना तो बहुत गलत है, जबकि नेतृत्व अखिलेश जी हमसे कहे थे कि मैं आपको टिकट दूंगा, चलूंगा। लेकिन अफजाल अंसारी ये बहुत ही खतरनाक व्यक्ति हैं, ये अपने परिवार के लिए भी खतरनाक है। आपका तो शुरू से ही झुकाव हमने देखा है, 2004-2005 से ही कि आपका झुकाव हमेशा भाजपा की ओर रहा है। मैं भाजपा में माननीय कलराज मिश्रा जी जो इस समय राज्यपाल राजस्थान में है, उन्हीं के द्वारा डॉक्टर महेंद्र पांडे और वो और ये हैं बहदिया के पंडित राम तेज पांडे जी, इन लोगों ने मुझे टिकट दिलवाया। इसमें मैं हमेशा उनका आभारी रहता हूँ। लेकिन वही मैं कहा ना कि दुर्भाग्य से मैं चला गया सपा में, और वहाँ पे मैं नहीं समझा कि ये अफजाल अंसारी और ओम प्रकाश जी से कनिंग लोग हैं। अब अफजाल जी का नाम आपने ले ही लिया है, तो आपसे पूछना चाहेंगे कि अब वो सांसद से पूर्व सांसद हो गए हैं और उनको कोर्ट से सजा मिल चुकी है, और वो चार अफजाल, फिर कह रहा हूं कि अफजाल अंसारी ने अपने घर को तबाह कर दिया, उसमें किसी का दोष नहीं। कहीं ना कहीं मतलब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का इनको टिकट देना बेकार ही साबित होता है कि जो क्षेत्र में जो क्षेत्र में काम करने वाले हैं ये जातिगत भावनाओं से ग्रसित हैं, इनका जो है कभी भला नहीं होने वाला है। अभी चुनाव हुआ है, 13 तारीख को रिजल्ट आया उसका, उसमें बीजेपी, क्योंकि पहले सपा उसके बाद बहुजन समाज पार्टी, आज पहली बार बीजेपी ने यहाँ पे अपना पर्चा लहराया है। सैदपुर के लिए क्या कहेंगे सर? सैदपुर के लोग अच्छे लोग हैं जो भाजपा को जितवा दिए, और ये इसमें तो मुख्तार अंसारी के गोल का था ये
शशि पूर्व चेयरमैन शशि सोनकर, वो अब उनके उनका उनके कहने पर काम करता था, जो अफजाल कहते थे वही करता था। ये बहुत अच्छा हुआ, मैं सैदपुर की जनता को आभार व्यक्त करता हूँ कि ये लोग इस बार सब तख्ता पलट करके भाजपा को जितवाए। आगे चल के क्या अपील करेंगे कि मतलब लोगों ने जो कह रहे हैं कि बीजेपी ने इतना अच्छा काम किया, कौन सा ऐसा जो काम है कि जो सुंदर काम हो एक बता दीजिए आप। वो एक शेरशाह सूरी मार्ग बनवा करके शेरशाह सूरी मार्ग को कहते थे हम लोग जीटी रोड, एक रोड असंख्य रोड बन गया। एक शिक्षा क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ, दो खेल में जहर जिलों में कई जिलों में टर्फ लग गया, तीन ये लोग हॉस्पिटल इतना बढ़िया बढ़िया बन गया। कुछ अभी कमियां हैं हॉस्पिटल में डॉक्टरों की, लेकिन इतना अब क्या चाहिए आपको। पर कर्नाटक में क्यों से हार गए? कर्नाटक में हार गए, कर्नाटक का ऐसी व्यवस्था हो गई, वहां पे पोलराइजेशन हो गया मुसलमान और शेड्यूल कास्ट, तो क्या करेंगे आप। नगर नगर कह रहे कि जैसे कर्नाटक हार गए और एक बंगाल हार गए, हो सकता है अगला नंबर यूपी का हो। यूपी का हमको नहीं लगता है, जब तक जातिवादी व्यवस्था होगी यहाँ उत्तर प्रदेश में, मुलायम अखिलेश जी अलग लड़ेंगे, बहन जी अलग लड़ेंगी, तो भाजपा को कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसा काम है योगी जी का, जो सारे वणिक वर्ग चाहे जिस जात का हो सारे लोग अब स्वच्छंद महसूस कर रहे हैं, कोई गुंडा बदमाशों का कोई अब यहाँ पे राज नहीं है। इस कारण से योगी जी पूरे इंडिया में हार जाएं, लेकिन योगी जी जो है भाजपा को आगे ले जाएंगे, ये पक्की बात है। हमारा बात आप नोट करके रख लीजिएगा। अब वो सांसद से पूर्व सांसद हो गए हैं और उनको कोर्ट से सजा मिल चुकी है और वो 4 साल के लिए जेल में कैद हैं। देखिए इस मामले को आप किस तरह किस नजरिए से देखते हैं? यदि आस्थावान व्यक्ति है तो सबको इसके कर्मों की सजा मिलती है। अफजाल अंसारी जब भी भाषण देते हैं तो वो रामायण महाभारत की चर्चा करते हैं, कुरान शरीफ का कभी चर्चा नहीं करते हैं। हमको लगता है कि कुरान शरीफ के हिसाब से वो मुसलमान है ही नहीं। वो अपने परिवार को नष्ट कर दिए, अपने परिवार को रसातल में पहुंचाने का काम अफजाल अंसारी ने किया है, मुख्तार ने नहीं, अफजाल अंसारी ने उन लोगों से कह करके हत्या करवाया है और उसका परिणाम वो अब जा करके ईश्वर की कृपा से वो भोग रहे हैं। राजनीति में आपका फिर अगला कदम कहाँ है? अब तो एक्सेप्ट हो ना हो, लेकिन मेरा रुझान अब बाबा के चरणों में है। बाबा में सीएम साहब योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ बाबा को, उनको मैं बाबा कहता हूँ, उन्हीं के चरणों में है। मैं चल जा करके मिलूंगा, अब जैसा भी होगा अंत मेरा भाजपा नहीं होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी तक आपका मुलाकात हुआ कि नहीं? राजनीतिक संदर्भ से दो बार ट्राई किया, नहीं हुआ जी। फिर अब पुनः अब जाने वाला हूँ और कलराज मिश्रा से बात हुई है, उनसे बात करके उनके यहाँ जाऊँगा, ऊपर वाला जानेगा क्या होगा। तो क्या सैदपुर की राजनीति में विधानसभा की तरफ आपका रुझान रहेगा? नहीं नहीं नहीं, न विधानसभा न लोकसभा, पहले मैं पार्टी में जाऊं तो पार्टी जो करती है, मैं पुराना आदमी हूं, पार्टी जो निर्णय लेती है उसी के हिसाब से जाना पड़ता है। तो आगे चल के मेरे जब बसपा में थे तो मेरे बहुत घनिष्ठ मित्रों में। अच्छा, आपके राजनीतिक जीवन में पूर्व सांसद अफजाल अंसारी से क्या कभी नजदीकियां भी रही हैं? जिले में सारे लोग, मनोज सिन्हा जी, वो जहाँ जहाँ रहा हूँ तो मैं इनसे नजदीकियां थी, लेकिन मैं इनके भीतर क्या है ये मैं नहीं जानता। किसके भीतर? मनोज सिन्हा या नहीं? नहीं, अफजाल अंसारी के अफजाल। इन्होंने पैसा लेकर के हमारे टिकट को कटवाए। अंसारी बंधुओं से भी मतलब आपका नजदीकी दोस्ताना था? दोस्ताना तो मुख्तार अंसारी से था, उनके भाई सिफतुल्ला से था, भतीजा से था, लेकिन ये बहुत खतरनाक व्यक्ति है जो अपने घर को रसातल में पहुंचा दिए। यदि भाजपा 5 साल रह गई, इन लोगों का नाम लेने वाला कोई नहीं रह जाएगा। जिले के लोग स्वच्छंद वातावरण में अपना काम करेंगे। मतलब बुलडोजर बाबा के सरकार की आप प्रशंसा कर रहे हैं? बहुत ज्यादा, तहे दिल से। आप समाजवादी पार्टी के